हेलो बच्चों आज हम हमारा नया चैप्टर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर स्टार्ट करते हैं आपने देखा होगा कि रेलवे ट्रैक से बीच में कुछ गैप रखा जाता है सिमिलरली रोड जो कि कंक्रीट से बनी होती हैं एंड ब्रिजेस में भी कुछ गैप रखा जाता है क्या आपने कभी सोचा है यह गैप क्यों रखा जाता है आपने अपने आस यह भी देखा होगा कि ओवरहेड इलेक्ट्रिकल वायर्स ना तो ज्यादा लूज रखे जाते हैं ना ही ज्यादा टाइट रखे जाते हैं सोचिए ऐसा क्यों किया जाता होगा आप लोगों ने यह भी देखा होगा कि हॉर्स कार्ट में जो व्हील्स होते हैं उन पर मेटल रिम लगा होता है ब्लैक स्मिथ यानी लुहार इस वुडन व्हील पर यह मेटल रिम लगाने से पहले इस मेटल रिम को हीट करता है और व्हील पर फिक्स कर इसे कोल्ड वाटर से ठंडा कर देता है क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों करता होगा लुहार इस चैप्टर में हम इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानेंगे तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर में सबसे पहले हम टेम्परेचर को डिफाइन करेंगे और इसको मेजर करने वाले डिफरेंट स्केल्स के बारे में स्टडी करेंगे इसके बाद थर्मल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट हम हीट कैपेसिटी एंड चेंज ऑफ स्टेट के बारे में पढ़ेंगे एंड चैप्टर के लास्ट में हम कैलोरीमीट्री का प्रिंसिपल एंड हीट ट्रांसफर के डिफरेंट मेथड्स के बारे में सीखेंगे सो लेट स्टार्ट फर्स्ट टॉपिक विच इज टेम्परेचर एंड थर्मल एक्सपेंशन इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कुछ इस प्रकार से हैं सो अस स्टार्ट फर्स्ट सीवी विच इज टेम्परेचर टेम्परेचर किसी बॉडी के हॉटनेस व कोल्डनेस का एक मेजर है जैसे यदि हमारे पास बॉइलिंग वाटर की एक केटल हो एंड आइस क्यूब से भरा एक बाउल हो तो हम कह सकते हैं कि बॉइलिंग वाटर हॉट होगा एंड आइस क्यूब कोल्ड होंगी टेम्परेचर एक रिलेटिव मेजर है यानि कि बॉयलिंग वाटर का टेम्परेचर हम बोलेंगे हाई होगा एंड आइस क्यूब्स का टेम्परेचर हम बोलेंगे लो होगा यह हाई और लो हम रूम टेम्परेचर के रिलेटिव बोल सकते हैं टेम्परेचर की ऐसा यूनिट केल्विन होती है तो चलिए अब हम टेम्परेचर के मेजरमेंट के डिफरेंट स्केल्स के बारे में सीखते हैं टेम्परेचर को थर्मामीटर से मेजर किया जाता है और हम जानते हैं बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज टेम्परेचर के साथ वेरी भी होती हैं। इन्हीं प्रॉपर्टीज के बेसिस पर थर्मोमीटर्स का कंस्ट्रक्शन होता है इनमें से कुछ प्रॉपर्टीज हैं वॉल्यूम प्रेशर एंड रेजिस्टेंस कॉमनली जो प्रॉपर्टी यूज की जाती है थर्मोमीटर्स बनाने के लिए वह है किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर के साथ वेरिएशन जैसे कि लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर में Mercury या एल्कोहल को यूज किया जाता है कॉमन थर्मोमीटर्स जो हम हमारी लाइफ में यूज करते हैं उनमें जनरली मर्करी का ही इस्तेमाल होता है यदि बॉइलिंग वाटर में थर्मोमीटर को रखते हैं तो मर्क्यूरी का लेवल राइज होता है मर्करी टेम्परेचर के साथ लीनियरली एक्सपैंड करता है या कॉन्ट्रैक्ट करता है एक अप्रोप्रियट स्केल में किसी टेम्परेचर को न्यूमेरिकल वैल्यू देने के लिए थर्मोमीटर को कैलिब्रेट किया जाता है इसके लिए हमें दो फिक्स रेफरेंस पॉइंट्स की नीड होती है इनमें से एक रेफरेंस पॉइंट वाटर का स्टैंडर्ड प्रेशर पर फ्रीजिंग पॉइंट या आइस पॉइंट लेते हैं इसे लोअर फिक्स पॉइंट कहते हैं सेकेंड रेफरेंस पॉइंट वाटर का बॉइलिंग पॉइंट लिया जाता है जैसे कि यहां पे आप देख सकते हैं जैसी वाटर बॉइल हो जाता है उसको हम एक रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं और इसको अपर फिक्स पॉइंट कहते हैं इस प्रकार से हमें दो रेफरेंस पॉइंट मिल जाते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ़ या आइस पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर या स्टीम पॉइंट नेक्स्ट हम डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स के बारे में सीखेंगे इसमें फर्स्ट है सेल्सियस स्केल एंड बाद में पढ़ेंगे हम फेरेनाइट स्केल के बारे में लास्ट में हम कैलविन स्केल के बारे में पढ़ेंगे अलग अलग टेम्परेचर स्केल्स डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में यूज होते हैं जैसे कि डिग्री सेंटीग्रेड एंड डिग्री फेरेनाइट बुखार नापने में यूज होता है आपके घर में जो मर्क्यूरी का थर्मोमीटर होगा वो डिग्री फेरानाइट में टेम्परेचर नापता है और अगर आप डिजिटल थर्मोमीटर यूज करते होंगे तो वो डिग्री सेंटीग्रेड एंड डिग्री फेराइट दोनों में मेजरमेंट बताता है लैब्स में जनरली टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन में मेजर होता है वेदर फोरकास्ट के लिए जो टेम्परेचर यूज करते हैं कंट्रीज लाइक अमेरिका में वो टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट में रिपोर्ट होते हैं यहां पे आप स्क्रीन में देख सकते हैं टेम्परेचर दिखा रखे हैं 47, 56, 62, 77 ये सारे टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट में हैं इंडिया जैसी कंट्री में सारे टेम्परेचर जो दिखाए जाते हैं वो डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड में दिखाए जाते हैं सो डिपेंडिंग ऑन यूज एंड सिचुएशन अलग अलग टाइप के टेम्परेचर स्केल्स यूज होते हैं सपोज आपसे कहा जाए कि अमेरिका के किसी सिटी में 40 डिग्री फारेनाइट टेम्परेचर है तो क्या आप सोच सकते हैं यह टेम्परेचर में सर्दी होगी या गर्मी होगी क्योंकि इंडिया में सारे टेम्परेचर सेंटीग्रेड या डिग्री सेल्सियस में ही बताए जाते हैं तो अगर मैं बोलू फोर्टी डिग्री सेल्सियस है तो आपको पक्का पता होगा कि गर्मी होगी पर 40 डिग्री फ़ारेनहाइट में कैसा महसूस होगा वो आप नहीं समझ में आएगा इसीलिए हमें डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स के बीच में रिलेशन और एक स्केल के टेम्परेचर को दूसरे स्केल के टेम्परेचर में कन्वर्ट करना आना चाहिए और उसके बारे में हम अब आगे पढ़ेंगे सेल्सियस स्केल में दोनों रेफरेंस पॉइंट्स के बीच में इक्वल इंटरवल्स होते हैं लोअर फिक्स पॉइंट या आइस पॉइंट जीरो डिग्री सेल्सियस कहलाता है एंड स्टीम पॉइंट हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड कहलाता है फेरेनाइट स्केल में दोनों रेफरेंस पॉइंट्स के बीच वन एट्टी इक्वल इंटरवेल्स होते हैं इस स्केल पर आइस पॉइंट थर्टी टू डिग्री फेरेनाइट होता है एंड स्टीम पॉइंट 212 डिग्री फेराइट होता है अब सेल्सियस स्केल एंड फारेनहाइट स्केल के बीच में रिलेशन फाइंड करना सीखेंगे यदि एक्स एक्सिस पर सेल्सियस एंड वाई एक्सिस पर फारेनहाइट स्केल का टेंपरेचर लिखें तो ग्राफ 32 डिग्री फारेनहाइट से स्टार्ट होता है एंड एक स्ट्रेट लाइन मिलती है पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स 0.32 होंगे एंड पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट 100, होंगे अब यदि लाइन ए बी पर एक बिंदु सी लेते हैं तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे टी सी कॉमा टी एफ लाइन ए बी व लाइन ए सी के स्लोप इक्वल होंगे क्योंकि यह एक ही लाइन के पार्ट हैं, तो हम लिख सकते हैं लाइन ए बी का स्लोप होगा 212 हंड्रेड एंड ट्वेल्व माइनस थर्टी टू अपॉन हंड्रेड माइनस जीरो एंड लाइन ए सी का स्लोप होगा टी एफ माइनस थर्टी टू अपॉन टी सी माइनस जीरो करेंगे एंड टी एफ एंड टीसी में रिलेशन हमें मिल जाएगा टी एफ माइनस थर्टी टू बाई वन एटी इज इक्वल टू टीसी बाय्रेड टी एफ यहां पर फैरनाइट स्केल पर टेम्परेचर है एंड टीसी सेल्सियस स्केल पर टेम्परेचर है अब नेक्स्ट स्केल जो हम पढ़ेंगे वह है केल्विन स्केल इसमें दोनों रेफरेंस पॉइंट्स के बीच हंड्रेड इक्वल इंटरवल्स होते हैं इसमें आइस पॉइंट लविन होता है एंड स्टीम पॉइंट थ्री सेवेंटी थ्री पॉइंट कैलविन होता है सेल्सियस एंड कैल्विन स्केल के बीच का रिलेशन होता है के इज इक्वल टू टीसी प्लस टू सेवेंटी थ्री पॉइंट वन फाइव के यहां पर कैल्विन में टेम्परेचर है चलिए कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर पर एक कॉन्सेप्ट टेस्ट करते हैं आपको 50 डिग्री फारेनहाइट को केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है इसके लिए आपको दो मिनट का समय दिया जाता है जल्दी से इसका आंसर निकालें आई होप आप सभी ने इसका सही उत्तर निकाल लिया होगा तो क्विकली हम देख लेते हैं कैसे इसका आंसर निकालेंगे सबसे पहले हम फारेनहाइट टू सेल्सियस डिग्री में कन्वर्ट करेंगे इसके लिए फॉर्मूला है टी एफ माइनस थर्टी टू अपॉन वन एट्टी टू टीसी बाय हंड्रेड ऐसा करने से हमारे पास टी सी आ जाएगा टेन डिग्री सेंटीग्रेड 50 डिग्री फारेनहाइट इज इक्वल डिग्री सेल्सियस अब हम सेल्सियस स्केल को केल्विन स्केल में कन्वर्ट करेंगे इसके लिए हमें फॉर्मूला पता है टीके इज इक्वल टू प्लस टू थ्री पॉइंट तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास टीके की टू एटी थ्री पॉइंट वन फाइव Kelvin. तो बच्चों जिस तरह से हमने टी एफ और टीसी में रिलेशनशिप निकाला है टीके में रिलेशनशिप निकाला है आपको होमवर्क के तौर पे फेरेनाइट स्केल और केल्विन स्केल के बीच में डायरेक्ट रिलेशन निकालना है